मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर एमपी में हलचल तेज है, क्योंकि आज बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नामांकन दाखिल करेंगे। गुना शिवपुरी सीट से बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया तो राजगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन इससे पहले दोनों ही दिग्गजों ने अपने क्षेत्र में पूजा अर्चना की। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जहां मंदिर में पहुंचकर बजरंग बली के दर्शन किए और पूजन की, तो वहीं दिग्विजय सिंह ने जालपा माता मंदिर में पूजा की। ये दो तस्वीरें आप देखिए टीवी स्क्रीन पर, एक ओर बीजेपी के दिग्गज तो दूसरी ओर कांग्रेस के दिग्गज। लेकिन इन दोनों तस्वीरों में आप एक जो कॉमन बात देखेंगे वो ये कि नामांकन से पहले दोनों ही दिग्गजों ने पूजा अर्चना की है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बजरंग बली की पूजा की और दिग्विजय सिंह ने जालपा माता का आशीर्वाद लिया। तो दिग्गजों का नामांकन भरा जा रहा है आज। ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह आज नामांकन भरेंगे और नामांकन से पहले जीत का आशीर्वाद लिया जा रहा है। तो दिग्गज नामांकन भरने से पहले पहुंचे हैं भगवान के दरवाजे पर और इसके साथ ही देखिए पूजा अर्चना कर शुरुआत की है आज के दिन की। और इसके साथ ही अब नामांकन भरने का दौर भी शुरू होगा। तो आज ज्योतिरादित्य सिंधिया नामांकन भरने वाले, इसके साथ ही दिग्विजय सिंह भी नामांकन भरेंगे। तो देखिए नामांकन दाखिल करने के पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंदिर में पहुंचकर बजरंग बली की पूजा अर्चना की और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की। क्या कुछ कहा है आइए सुनवाते हैं। किया मैंने अभी तो आशीर्वाद ग्रहण किया है मैंने टिकरी सरकार का और इसके बाद अब आगे का पथ पर हम लोग जनसेवा के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। और ये तस्वीरें भी आपने देखी और सुना अपने केंद्रीय मंत्री और गुना लोकसभा प्रत्याशी बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया को। गुना लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, आज नामांकन दाखिल कर रहे हैं और नामांकन दाखिल करने से पहले बजरंग बली के दर्शन करने पहुंचे। और इसके साथ ही देखिए मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट में से एक गुना शिवपुरी लोकसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया बस कुछ ही देर में नामांकन दाखिल करेंगे। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं गुना शिवपुरी सीट का समीकरण क्या है। 18 दिसंबर ये तो देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजनीतिक सफर है जो गुना लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। 2007 में केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया गया। 2009 में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री बने और इसके साथ ही आपको बता दें 2019 में केपी यादव से सिंधिया चुनाव हार गए। आपको बता दें 11 मार्च 2020 को बीजेपी में शामिल हुए। इसके पहले का जो कार्यकाल था वो कांग्रेस में शामिल रहे सिंधिया का कार्यकाल था, बीजेपी में है। बीजेपी ने सिंधिया को राज्यसभा भेजा 2020 के बाद। 2021 में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया गया और इसके साथ ही आपको बता कि पिता की मौत के बाद से राजनीति में आए हैं। और इसके साथ ही क्या है गुना सीट का जातिगत समीकरण। अनुसूचित जनजाति के मतदाता यहां पर 2,30,000 है, अनुसूचित जाति 1,00,000 से ज्यादा की आबादी है गुना सीट पर। इसके साथ ही आपको बता दें कि ब्राह्मण वोटर्स यहां पर 80,000 के लगभग हैं और साथ ही गुना सीट पर यादव वोटर्स करीब ब्राह्मण वोटर्स के आसपास ही हैं, यानी कि 73,000 यादव वोटर्स हैं यहाँ पर। कुशवाहा वोटर्स की बात करें तो करीब 60,000 के आसपास यहाँ कुशवाहा वोटर्स हैं। रघुवंशी वोटर्स की बात करें तो करीब 32,000 रघुवंशी वोटर्स हैं। तो ये है जातिगत समीकरण। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनिल गौर जुड़ रहे हैं। अनिल, आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया नामांकन दाखिल करने वाले हैं, बड़े नेता, बड़ा कार्यक्रम, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए रितु, बस आधा घंटे से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी में पहुंचने वाले हैं, क्योंकि वो गुना से पूजा अर्चना करने के बाद सीधे रोड शो के जरिए शिवपुरी आ रहे हैं और उनके साथ हजारों की संख्या में उनके साथ समर्थक हैं। तो कहा जा सकता है कि आज शिवपुरी गुना के लिए एक ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बड़ा शक्ति प्रदर्शन है और वह दिखाना चाहते हैं लोगों को कि क्यों जिस तरीके से 2019 में हार का जो उन्हें सामना करना पड़ा था, लेकिन अब की बार जिस तरीके से उनको जनता का समर्थन और प्यार मिल रहा है, उनके समर्थकों का प्यार मिल रहा है, काफी देखने वाला है। और मैं इस वक्त मौजूद हूं यहां पर जहां आम सभा को ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्यमंत्री मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा,
यहां आएंगे और एक सभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बस कुछ ही देर बाद शिवपुरी के कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे, जहां पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे और उसके बाद सीधे इस सभा स्थल पर आएंगे। तो ऋतु, कहा जा सकता है कि एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन ज्योतिरादित्य सिंधिया के यहाँ के लिए है ये। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का इस ग्वालियर और गुना लोकसभा सीट पर छठवीं बार ये नामांकन दाखिल कर रहे हैं और बीजेपी से पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पहले 5 बार ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के टिकट पर अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं, लेकिन साल 2019 में उन्हीं के समर्थक है केपी यादव, उनको हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। उसके बाद लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में एक बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। यही कारण है कि नेता के रूप में उभरे हैं, क्योंकि राजनीति भी देखिए अनिल विरासत में मिली है। माहौल दिखाना चाहेंगे, अब अपने दर्शकों को जरा तस्वीरें भी दिखाइए कि शिवपुरी में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्या कुछ माहौल और किस तरह की तैयारियां हैं। बिल्कुल, देखिए ऋतु, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जहां पर आम सभा को संबोधित होना है वही ये वो जगह है, और इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो लगातार चल रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था की भी यहां पर पुख्ता इंतजाम है। सबसे खास बात यह है कि जो गुना शिवपुरी की हर विधानसभा से, हर गांव से जो लोग यहां पर सुनने के लिए आएंगे, आम सभा में आएंगे, उनके लिए भी जो तैयारियां हैं वो पूरी हैं। आप देख सकते हैं कि इस पूरे सभा स्थल पर कुर्सियां बिछाई गई हैं, और सबसे खास बात यह है कि गर्मी का समय है और गर्मी के समय में जितने भी जो समर्थक हैं यहां पर आएंगे उनको कोई परेशानी ना हो, उनके लिए वाटर फैन की भी व्यवस्था की गई है ताकि गर्मी में आसानी से वो इस सभा को सुन सकें। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये सभा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और अनिल ये भी बताइएगा कि ये जो रोड शो है, रोड शो के लिए इंतजार कितना होगा, उसकी तस्वीरें भी आप पहुंचाते रहेगा और तमाम तस्वीरें पहुंचाएगा अनिल। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो जहां कमलनाथ का किला ढहाने की कोशिश में जुटी हुई है बीजेपी, आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा आएंगे। फव्वारा चौक से छोटी बाजार तक रोड शो होगा और श्री बड़ी माता मंदिर में पूजा भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। छिंदवाड़ा में ही रात रुकेंगे अमित शाह। तो आज बड़ा दिन है छिंदवाड़ा के लिए बीजेपी का, और केंद्रीय गृह मंत्री खुद कमान संभालते हुए पहुंच रहे हैं छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा में आज गृह मंत्री का एक बड़ा रोड शो होगा। कमलनाथ का किला ढहाने की कोशिश में बीजेपी जुटी हुई है और इसी कड़ी में आज ये दौरा होने वाला है। फव्वारा चौक से छोटी बाजार तक रोड शो और श्री बड़ी माता मंदिर में पूजा भी करेंगे अमित शाह। तो आपको बता दें कि छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल यानी कि पहले चरण में ही वोटिंग होनी है और 17 अप्रैल को चुनावी प्रचार थम जाएगा, जिससे लेकर आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह रोड शो करने छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं। पिछले कई महीनों से बीजेपी छिंदवाड़ा को फतेह करने के लिए प्लानिंग कर रही है और इसी पर देखिए विस्तार न्यूज की खास रिपोर्ट। छिंदवाड़ा में कांग्रेस का किला ढहाने के लिए बीजेपी चुनाव प्रचार बंद होने के एक दिन पहले ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने जा रही है। वैसे तो यहां हर दिन बीजेपी के दिग्गज नेता सभा कर रहे हैं, लेकिन आज अमित शाह का रोड शो है और इससे पार्टी को बड़ी उम्मीद है। ये मध्य प्रदेश की इकलौती लोकसभा सीट है जिसे बीजेपी मोदी लहर में भी जीत नहीं सकी। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन छिंदवाड़ा सीट पर कांग्रेस के नकुलनाथ ने बाजी मारी थी। इस बार भी नकुलनाथ कांग्रेस से यहां प्रत्याशी हैं, तो बीजेपी ने इस बार छिंदवाड़ा बीजेपी के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू को चुनावी मैदान में उतारा है और इस बार बीजेपी छिंदवाड़ा फतह का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए बीजेपी के दिग्गज नेता यहाँ लगातार दौरे कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने छिंदवाड़ा की कमान संभाल ली है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा में 8 बार दौरे किए हैं, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी यहां जनसभा की और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी यहां का दौरा कर चुके हैं। छिंदवाड़ा में बीजेपी का खास फोकस है और बीजेपी छिंदवाड़ा का चक्रव्यूह भेदना चाहती है, इसीलिए लगातार बीजेपी के दिग्गज नेता छिंदवाड़ा में नजर बनाए हुए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में एकमात्र यही सीट कांग्रेस 37,000 मतों से जीत पाई थी। बीजेपी ने इस बार सभी 29 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है और इस पे सबसे बड़ा रोड़ा छिंदवाड़ा ही है। बीजेपी और उसके जनसंघ ने हमेशा ही सीट को जीतने की पूरी ताकत लगाई, पर आज तक कोई सफलता नहीं मिल पाई।
छिंदवाड़ा के सियासी इतिहास पर नजर डालें तो यहां 73 सालों में सिर्फ एक बार बीजेपी जीती है। 1980 से लगातार कमलनाथ जीतते आ रहे हैं। 1997 में बीजेपी के सुंदरलाल पटवा चुनाव जीते थे, फिर लगातार कांग्रेस का ही छिंदवाड़ा गढ़ रहा है। छिंदवाड़ा कांग्रेस का कितना मजबूत गढ़ है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ पिछले दो विधानसभा चुनावों में 7 विधानसभा में कांग्रेस का ही कब्जा रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी ने यहाँ कुछ हद तक तो सेंध लगा दी है। कांग्रेस विधायक, कांग्रेस महापौर सहित कमलनाथ के काफी करीबी रहे दीपक सक्सेना भी अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए छिंदवाड़ा का किला ढहाना कितना आसान होगा, ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा आ रहे हैं आज, और छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर अमित शाह रोड शो करेंगे। इसके लिए छिंदवाड़ा पूरी तरह से भगवामय बना दिया गया है। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा के फवारा चौक से अमित शाह का रोड शो शुरू होगा जो बड़ी माता मंदिर तक जाएगा। तो वहीं छिंदवाड़ा में अमित शाह के रोड शो को भव्य बनाने के लिए बीजेपी ने तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसका जायजा लिया संवाददाता दुर्गेश ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर रोड शो करने जा रहे हैं। ये पहली बार है जब कोई बड़ा दिग्गज नेता छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर रोड शो करेगा, क्योंकि इसके पहले अमूमन जनसभाएं होती थी। उस रोड शो को लेकर आप तैयारियों की तस्वीरें तो देख ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ के स्थानीय लोगों का इस दौरे और इस रोड शो को लेकर क्या सोचना है, क्योंकि ये मुख्य बाजार हम कह सकते हैं छिंदवाड़ा का हृदय स्थल है, जहाँ से आज केंद्रीय गृह मंत्री अपना रोड शो करेंगे, लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे। तो लोग क्या कह रहे हैं, कितना उनके बीच है, इस बार छिंदवाड़ा को लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं। काफी ये चल रहा है कि इस बार तो बीजेपी फतह ही हासिल कर लेगी, तो क्या ये लग रहा है आपको, माहौल है? हाँ बिल्कुल, माहौल है बीजेपी का, बहुत 100% माहौल है। इस बार हमारे यानी बड़े भाई विवेक बंटी साहू बहुत ही अच्छे मतों से नकुलनाथ जी को मात देने वाले हैं। इस बार बंटी हुई है, सांसद में बैठेंगे छिंदवाड़ा से, पहली बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बैठेगा, इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए और कुछ हो ही नहीं सकती। तय कर लिया क्या आप लोगों ने? जी बिल्कुल, हमने नहीं, पूरी जनता ने तय कर लिया है। कमलनाथ का जादू इस बार नहीं है? इस बार कोई जादू नहीं चलेगा, कोई आंसू नहीं चलेंगे। छिंदवाड़ा की जनता बड़ी भावुक है अमित शाह के रोड शो को लेकर, और ये कमलनाथ जी का बायकॉट है, और बंटी भैया बड़ी बहुमत से जीत रहे हैं। अच्छा, इस बार कमलनाथ जी का जादू, नकुलनाथ जी का जादू नहीं चलेगा क्या? नकुलनाथ जी का ही जादू चलेगा, क्योंकि जहाँ पे कमलनाथ जी का जो विकास है और कमलनाथ जी जो मतलब इतने हैं, नकुलनाथ जी ही जीत के आएंगे और भारी से भी जय होकर आएंगे। लोग उत्साहित हैं आज अमित शाह के दौरे को लेकर, इसका लेकिन इसका असर मतगणना पर कितना पड़ेगा, मतदान पर कितना पड़ेगा, ये जरूर देखने वाली बात होगी। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, छिंदवाड़ा। और चलिए इसीलिए चलते आपको छिंदवाड़ा, जहां तैनात मुस्तैद हमारे संवाददाता दुर्गेश, और हर एक तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। दुर्गेश, जिस तरह से घर में कोई आयोजन होता है, शादी समारोह होता है, महीनों पहले से तैयारियां होती हैं, और जैसा बीजेपी कहती है कि ये लोग नहीं, ये हमारा परिवार है, और जब छिंदवाड़ा पहुँच रहे हैं गृह मंत्री, तो ऐसे में तैयारियाँ जोरों पर देखने को मिल रही है, गली गली सजी हुई है आज। बिल्कुल ऋतु, देखिए देश में लोकसभा चुनाव का पहला चरण जो है 19 तारीख को होगा, और उसके प्रचार प्रसार का आखिरी दिन कल है। तो कल शाम को जो है, क्यों कहें कि आखिरी 24 घंटों में बीजेपी पूरी जोर आजमाइश कर रही है। खासतौर पर हम छिंदवाड़ा लोकसभा सीट की बात करें तो इस वक्त मैं उसी जगह मौजूद हूं ऋतु, जहां पर आपसे कुछ ही घंटों बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला यहां से निकलेगा, और इस क्षेत्र को हम कह सकते हैं ये छिंदवाड़ा का हृदय स्थल है, और इस हृदय स्थल में आज केंद्रीय गृह मंत्री अपना रोड शो करेंगे। और ये पहली बार हो रहा है जब रोड शो को लेकर जो है तैयारियां यहां पर की गई हैं, और पहली बार रोड शो हो रहा है ऋतु, और इसीलिए लोग जो बिल्कुल, है बिल्कुल दुर्गेश, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, हर गली एक तरह की नजर आ रही है, क्योंकि सजावट एक जैसी, आप तस्वीरें पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल शुक्रिया दुर्गेश आपका हमसे जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ में कार्टून वॉर शुरू हो गया है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच कार्टून वॉर जारी है, और बीजेपी के कार्टून के बाद अब कांग्रेस ने पीएम मोदी का कार्टून बनाया है। ईडी छापा, वादा खिलाफी को लेकर पीएम मोदी पर कांग्रेस ने हमला बोला, और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि मेरी मर्जी थीम पर कांग्रेस ने कार्टून बनाया है। वीडियो में पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच मेरी मर्जी को लेकर जंग छिड़ी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने सोशल मीडिया में पोस्ट किया और लिखा कि तेरी मर्जी नहीं चलेगी। बीजेपी लगातार कांग्रेस प्रत्याशियों का कार्टून जारी कर रही थी, और इसी बीच कांग्रेस की ओर से वीडियो जारी किया। चलिए पहले वीडियो देख लीजिए,
और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता खुमन साहू जुड़ गए हैं। खुमन, एक समय जब बीजेपी की ओर से पोस्टर जारी किए जा रहे थे जिसमें कांग्रेस प्रत्याशियों की फोटो लगाए जा रहे थे कार्टून के जरिए, अब एक बार फिर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कार्टून वॉर का अखाड़ा बनता नजर आ रहा है। देखिए निश्चित तौर पर ऋतु, जिस तरीके से जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, सोशल मीडिया वार देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के एक एक जो लोकसभा प्रत्याशी है उनको लेकर ट्वीट किया गया था, सोशल मीडिया पर तंज कसा गया था। लगातार कांग्रेस पार्टी एक एक वीडियो जारी कर रही है और आज जब सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी ने एक वीडियो जारी किया गया, मेरी मर्जी मैं क्या करूं, इस तरीके से जो वीडियो जारी किया गया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया गया, इसके अलावा राहुल गांधी को भी दिखाया गया था, अब इसको लेकर छत्तीसगढ़ में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो है अपने मन का कभी नहीं करते, वो लोगों की मन की बात करते हैं, और यही कारण है कि उन्होंने, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर उदाहरण देते हुए ये कहा ऋतु कि जब संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का सामने आया तो उस पर 5 लाख से अधिक लोगों का जो है सुझाव लिया गया था, तो किस तरीके से अपनी मर्जी का नाम का वीडियो जो है कांग्रेस पार्टी जारी कर रही है। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है ऋतु, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वैसी वैसी सोशल मीडिया भी चुनावी अखाड़ा बनता हुआ नजर आएगा, और यही कारण है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो बीजेपी हो सभी पार्टियां सोशल मीडिया का यूज करिए, क्योंकि एक बड़ा वर्ग जो है सोशल मीडिया का उपयोग करता है, तो उस पर कैसे लोगों के बीच जाया जाए, यही कारण है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे पर सोशल मीडिया के कारण जो है इसके साथ ही देखिए पहले पोस्टर से वॉर शुरू होती है, सोशल मीडिया पर पोस्टर जारी किए जाते हैं, उसके बाद अब वीडियो जारी किया गया, तो क्या आप किसी फिल्म का इंतजार है कि अब कार्टून के जरिए कोई फिल्म जारी की जाएगी और इसी तरह से तंज कसे जाएंगे? खुमन, देखिए निश्चित तौर पर ऋतु, इस तरीके के वीडियो फोटो पोस्टर आने वाले दिनों में भी जारी रह गए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो पहले चरण का मतदान 19 जून को होने वाला है, माफ कीजिएगा 19 तारीख को होने वाला है, तो 19 अप्रैल को होगा, उसके बाद 24 अप्रैल को, तो ऐसे ऐसे तीन चरण में छत्तीसगढ़ में जो है चुनाव होने वाले हैं, तो उसके पहले इस तरीके के वीडियो और भी जारी होंगे, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जो मोदी सरकार की विफलता है उसको वीडियो बनाने के लिए वीडियो के माध्यम से लोगों हर खबर पर नेताओं की प्रतिक्रिया आप लेते रहते हैं, तो हम चाहेंगे कि इस पर भी वादा करके जाइए और किसी नेता की प्रतिक्रिया लेकर जल्द वापस आइए। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। और मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक बार फिर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है। जीतू पटवारी के मुताबिक बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर जीतू पटवारी ने कहा कि अमित शाह ने जो जनता को गुमराह करने की बात कही थी आज उसका जवाब देना पड़ेगा। चलिए बयान सुनवाते हैं। हमारे कई कैंडिडेट एक वोट एक नोट की बात करते हैं, ऐसे में इस तरह की हरधर्मिता, एक विधायक के घर पे 4 घंटे तक पुलिस का रहना, फिर कमलनाथ जी के घर पे इस तरीके की घटनाक्रम घटना, ये लोकतंत्र के साथ एक तरह से कुठाराघात है, उसकी हत्या है, इसकी निंदा पूरी मध्य प्रदेश की जनता ने करनी चाहिए। अमित शाह जी, आज आपको बताना पड़ेगा इस प्रदेश को कि मोदी की 5 गारंटियां 2023 में हुई थी, जिसमें आपने किसानों के 2700 रुपये गेहूँ की बोला था, आपने 3100 धान का बोला था, आपने 450 के सिलेंडर की बात की थी, आपने बहुत सी बातें वो जो प्रदेश को गुमराह करने के लिए की थी आज तक क्यों नहीं पूरी हुई, ये उत्तर तो अमित शाह जी को देना पड़ेगा। बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि महाराज की भी बात कर लेते हैं, जो सरगुजा यानी कि छत्तीसगढ़ की सरगुजा लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं। चिंतामणि महाराज की संपत्ति पिछले 5 सालों में करीब दुगनी हुई है, करीब वही 10 सालों में चिंतामणि महाराज की कुल संपत्ति 18 गुना बढ़ी है। तो वही चिंतामणि महाराज ने सोमवार को मुहूर्त के मुताबिक नामांकन का एक सेट जमा भी किया है, वही शक्ति प्रदर्शन के साथ 19 अप्रैल को वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र में चिंतामणि महाराज ने खुद और परिवार की चल अचल संपत्ति की घोषणा की, जिसका बाजार मूल्य उन्होंने 4,12,38,000 रुपए से ज्यादा बताया है। शुभ मुहूर्त था, और मुहूर्त के आधार पर चूंकि हम लोग सनातन के मानने वाले हैं इसलिए मुहूर्त को भी ध्यान में रखते हैं। आज सुबह महामाया माता का दर्शन करके, यहाँ दुर्गा माता का दर्शन करके, फिर आ करके हम अपने
भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ नामांकन दाखिल शुभ मुहूर्त में किए हैं। और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां ग्वालियर में यूथ कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह पर पड़ाव थाना पुलिस ने FIR दर्ज की है। मितेंद्र पर ये कार्रवाई रैली में अनुमति से ज्यादा वाहन लाने पर हुई। अनुमति सिर्फ 2 वाहन लाने की थी, जबकि वो 40 से ज्यादा वाहन लेकर पहुंचे। यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने कुछ दिन पहले रतलाम झाबुआ में पिता कांतिलाल भूरिया के चुनाव प्रचार में व्यस्त होने के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद AICC ने मितेंद्र दर्शन सिंह को मध्य प्रदेश यूथ प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इससे यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का पद ग्रहण करने के लिए 12 अप्रैल की सुबह 11 बजे बड़ी संख्या में वाहन रैली लेकर ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर पहुंचे थे और इसी मामले को लेकर प्रदेश अध्यक्ष पर FIR दर्ज हुई है। मध्य प्रदेश के उज्जैन के जवाहर नगर से गोली चलने का मामला सामने आया और गोली चलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल पुराने लेन देन को लेकर बदमाश ने गोली चलाई, जिसमें गैरेज संचालक बाल बाल बचा है। वहीं पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया, नाकाबंदी की और CCTV की मदद से 2 घंटे के अंदर बदमाश विशाल जाट को धर दबोचा। बदमाश से 1 पिस्टल, 1 कारतूस और 2 कट्टे बरामद किए गए हैं। मामले में आगे की जाँच जारी है। नानाखेड़ा स्थित ट्रेजर आइलैंड के पीछे आरोपी को हमने पकड़ा था, जिसके पास से 1 पिस्टल और 1 कारतूस जिंदा कारतूस मिला था और भी 2 हमको इससे कट्टे जब्त हुए हैं। मामला भी अनुसंधान में है, इसका PR प्राप्त किया जाएगा और भी जानकारी इस संदर्भ में ली जाएगी। कहाँ से लेकर आ? और चलिए अब बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं, जहां 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है और ऐसे में राजनांदगांव के पास के जिले गढ़ चिरौली में मतदान दिवस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पहले चरण की सीटों पर होने वाली वोटिंग के लिए मतदान दलों ने आज सुबह से ही गढ़ चिरौली में EVM और बाकी यूनिट्स के साथ अपनी गतिविधियां भी शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि आज इसी सिलसिले में भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के 3 MI-17 और 4 ALH हेलीकॉप्टर्स की मदद से 68 बूथों पर 295 मतदान कर्मचारियों को संवेदनशील और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचाने की तैयारी की जा रही है।